नमस्कार, सक्सेस स्पीक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हर बार हमारे इस प्रोग्राम में हमारी एक खास कोशिश रहती है कि हम आपको ऐसी कहानियों से मिलवाएं जिन्होंने सफलता का परचम छुआ है, जिनसे आपको प्रेरणा मिल सके। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं सुमन सौरभ मोहंती। सुमन ने साल 2016 की सिविल सेवा परीक्षा में 9वां स्थान प्राप्त किया है और आज ये एक IAS अधिकारी हैं। सुमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपको भी धन्यवाद। इसके अलावा हमारे साथ हैं देश के जाने माने IAS एक्सपर्ट AK मिश्रा। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद। और देश के कोने कोने से आए वो छात्र जो सिविल सेवा परीक्षा देना चाहते हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सक्सेस स्पीक्स की। सुमन, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस कि आपने 9वां स्थान प्राप्त किया, तो कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी तो बहुत बड़ा दायित्व का अनुभव कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा, और भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, और भी मेहनत करना पड़ेगा, जैसे कि लोगों के पास सबसे ज़्यादा पहुंच सकें, सेवा उपलब्ध करा सकें, और एक ऑनेस्ट और क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर सकें। शुरुआत कहाँ से हुई, बचपन कैसा था, किस तरह के स्टूडेंट थे आप? बचपन तो उड़ीसा में कटा है मेरा। पहले ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं हमारे, कंधमाल, बलंगीर, कोरापुट, फुलबाणी, पापा का गवर्नमेंट जॉब था। अच्छा। पापा भी राज्य सेवा, राज्य एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में थे। अच्छा। तो वहाँ पर वैसे ही इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स में कटा है, फिर भुवनेश्वर में कटा है। स्टूडेंट तो अबव एवरेज था, मैं खुद को ब्रिलियंट नहीं बोलूँगा, लेकिन यही था कि हर बार खुद से ही पढ़ाई की हुई थी, कि मतलब यही था कि ईच स्टेज ऑफ माई लाइफ में मैंने खुद से पढ़ाई की हुई है। दूसरा है कि थोड़ा ज़्यादा अचीव करने का कोशिश किया हुआ है। सुमन, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपके पिताजी भी स्टेट सर्विसेज में थे और एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं। जी। तो क्या ये शुरुआत से ही सपना था उनका कि आप ब्यूरोक्रेसी में जाएं, ये परीक्षा दें, या बाद में ये उत्पन्न हुआ? जितना मेरे पिताजी का नहीं था, माताजी का ज़्यादा था। अच्छा। कि बच्चों में से कोई एक गवर्नमेंट सर्विस में आए या IAS अधिकारी बने। राज्य अधिकारी तो पापा थे ही। पापा का यही था कि सपोर्टिंग हैंड था कि तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। माता जी का ज़्यादा प्रेरणा था इसमें मेरे हिसाब से। बिल्कुल। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर घर में ही माहौल हो ब्यूरोक्रेसी का और आपने देखा हो कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, तो ये कितना फ़ायदा या कितना नुकसान पहुँचा सकता है एक एक उस सपने को IAS अधिकारी बनने के? देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि परिवार ही पहला पाठशाला होता है। ठीक है, तो घर का जैसा माहौल होगा निश्चित रूप से बच्चों के ऊपर में उसका असर पड़ेगा। और जब बच्चा बोध होता है, छोटा होता है, उसको बहुत चीज़ की जानकारी नहीं होती, उसको समझ ही नहीं क्या करना नहीं करना है, तो वहाँ पेरेंट्स क्या अवेयरनेस क्रिएट करते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी जैसे आप सुमन के साथ देखेंगे कि इनके फादर ऑलरेडी राज्य स्तर के अधिकारी रहे हैं, तो इन्होंने माहौल देखा, उस तरह की सिचुएशन आई, लेकिन उन्होंने स्पेशली एक बात चर्चा की अपनी मदर की, क्योंकि फादर इनके बिजी रहे होंगे सर्विसेज के कारण से, टाइम कम मिल रहा होगा, लेकिन मदर ने वो लीड लिया और इनको बूस्ट किया। तो के पेरेंट्स के बीच में किसी न किसी को एक तो आगे बढ़ना पड़ता है जी। जो बच्चों को संभालें, परिवार को आगे बढ़ाएं, और वो चीज़ बहुत जितना जल्दी मिल जाए तो वो सबसे कंड्यूसिव एटमोसफेयर हो गया। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी इनकी सफलता है, ये सफलता सिर्फ इनकी नहीं है, इनके परिवार की, इनके माँ बाप की, इनके सारे वेल विशर्स की है जो उनके साथ जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुमन, माता जी चाहती थी कि आप एक सिविल सेवा परीक्षा या सिविल सेवक बने, आपके अपने क्या सपने थे? अपने सपने वही थे कि प्राइवेट खुद के बलबूते पर खड़ा होना है, खुद के लिए कुछ अचीव करना है, कि समाज में गौरव मिले, प्रशंसा मिले, खुद के पोटेंशियल को, मतलब बचपन से जैसे अबव एवरेज में तो कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट था ही नहीं, तो अबव एवरेज स्टूडेंट था, ऐसे ही एक मौके की तलाश में था कि मैं सोसाइटी को प्रूव कर सकूँ कि मैं ही भी हूँ, मुझ में भी पोटेंशियल है और मैं कुछ बन सकता हूँ। तो मुझे लगता है IAS एग्जाम और IAS अधिकारी बनना ये उसका कल्मिनेशन पॉइंट हो गया। बिल्कुल। और इन बिटवीन कहाँ से ग्रेजुएशन करी? ग्रेजुएशन मैंने कलिंगा यूनिवर्सिटी से किया है, भुवनेश्वर से। उसके बाद रिलायंस में काम किया है मैंने तकरीबन 4 साल, फिर उड़ीसा गवर्नमेंट में मैंने एज ए कंसल्टेंट काम किया है 2 साल, फिर 2 साल प्रिपरेशन के लिए मैंने ब्रेक लिया हुआ था। उसके बाद स्टेट सिविल सर्विसेज में मेरा 6th रैंक आया। एज अ प्रोफेशन आप इंजीनियर रहे? जी जी। तो जब ये सोचा कि IAS बनेंगे, क्या डिफिकल्ट हुआ डिसीजन लेना, कि ऑलरेडी इतने साल काम कर चुके थे, प्रूफ कर चुके थे अपने आप को, कंसल्टेंट थे? नहीं, IAS बनने का डिसीजन तो हर वक्त डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि ये चीज़ ही बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। जो कोर्स है, जो प्रेशर है, जो कंपटीशन है, वो अनबिलीवेबल लेवल तक है।
तो डिसीजन लेना डिफ़िकल्ट है, लेकिन यही था कि इंजीनियर हैं, नौकरी कर चुके हैं, अब अगर 2 साल ज़िंदगी के दे भी देते हैं तो उसके बाद कुछ ना कुछ तो अपने आप कर लेंगे। और ये खास करके अब की युवा पीढ़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपना कुछ एक बैकअप प्लान बनाइए, अपने सारे मतलब जैसे बोलते हैं डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, वो वाला थ्योरी कीजिए। और अपने दूसरा कोई अगर जॉब मिलता है उसके साथ रहकर भी आप प्रिपेरेशन कर सकते हैं। तो वही था कि डिसीजन लेना दूसरा बात था, कैरियर बैकअप तो था ही, लेकिन डिसीजन लेना बहुत टफ था। सर जिस तरह की बातें सुमन ने करी कि समाज को दिखाना था, कुछ गौरवपूर्ण कर दिखाना था, पर्सनालिटी में कितना महत्वपूर्ण है इस तरह का उस उम्र में सोचना जब ये पढ़ रहे होंगे कि कुछ ऐसा करना है कि समाज को एक गौरवपूर्ण मेरे को स्थान मिल सके, तो एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे कितना इंपॉर्टेंट है ये पर्सनालिटी में ये ट्रेट्स होना? देखिए, सिविल सर्विसेज जो करियर है वो सिर्फ नौकरी की करियर नहीं, इसमें एक नेतृत्व की करियर है, इस लीडरशिप की है, तो उसके बिना इसमें आना भी नहीं चाहिए यदि वो क्वालिटी नहीं है। तो होता है क्या कि सिलेक्शन में यदि ये चीज़ें पहले आ जाए कि मुझे कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है, हमारी एक दृष्टि अलग होगी, तो आज खास करके अभी जो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है उसमें 100% इसी कुछ देखा जा रहा है। इसमें ये चीज़ नहीं देखा जा रहा है कि आप कितने किस सब्जेक्ट में विद्वान हैं। ऐसा होता तो कई कई साल से लोग जो पढ़ रहे हैं किसी सब्जेक्ट को, विद्वता उनको हासिल हो रही, नंबर मिलते, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसमें बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं गहन अध्ययन करना, विद्वान होने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जिन क्वालिटी की बात सुमन कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है कि आपके अंदर, तो जब वो जज्बा जो है मन में बैठे कि मुझे कुछ अलग करना है, लोग मुझे पहचाने, मैं कुछ लोगों के लिए कैश कर सकूं, तो वो चीज़ फिर आकर्षित करता है इस करियर की ओर में, और उसका रिफ्लेक्शन भी एग्जामिनेशन में दिखता है। बिल्कुल, ये मैं कहना चाहूँ। सुमन, कैसा रहा ये पूरा सफ़र, आपने कितने अटैम्प्ट दिए और कहाँ से शुरुआत हुई? मेरा ये चौथा अटैम्प्ट है। पहले 2 अटैम्प्ट टू बी ऑनेस्ट ऐसे ही मम्मी के कहने पर, घर में प्रेशर था, सिविल सर्विसेज का फॉर्म भरा था, प्रिलिमिनरी दिया था, लेकिन आई वॉज नॉट मतलब क्लियर ही, मुझे पता ही था कि मैं क्लियर नहीं करूँगा, मतलब अच्छा। नौकरी के टाइम में था, बहुत प्रेशर था, लेकिन जब नौकरी छोड़ा और फुल हार्ट से बैठा इस प्रिपरेशन के लिए, तो 3rd अटैम्प्ट में मेरा 413 रैंक आया, 4th अटैम्प्ट में मेरा 9th रैंक आ गया। तो वो क्या कारण था कि वो हाफ हार्टेड अटेम्प्ट दिए और फिर सोचा कि नौकरी छोड़ देता हूँ और अटेम्प्ट करता हूँ? जी, वो कन्विक्शन कहाँ से आया? नौकरी के टाइम पर क्या होता है, टाइम नहीं मिलता था, टाइम मैनेजमेंट मेरा बहुत एक इशू हो गया था कि नौकरी करना है फिर थके हारे आकर पढ़ना भी है, और जब आपके पास कैरियर बैकअप रहता है तो आप सोचते हो कि ऐसे ही दे देते हैं, वो एक थोड़ा लाइट एटीट्यूड आ जाता है। बट जब आप नौकरी छोड़ते हो तो ये ही कि करो वा मरो वाला परिस्थिति आ जाता है, तो आप अपना जी जान दे देते हैं। तो मैंने वही नोटिस किया है, जब से मैंने अपना जी जान दिया था एग्जाम के लिए, तब से मैं दोनों बार ही सक्सेसफुल हुआ। जी, तो सर ये लाइट एटीट्यूड जो रहता है कि नौकरी करते हुए, मैंने देखा कुछ कैंडिडेट सफल भी होते हैं, लेकिन अक्सर लोगों का ये जो लाइट एटीट्यूड वाला ये प्रॉब्लम कितना नुकसान कर सकता? देखिए, आजमाने वाला काम नहीं करना चाहिए इस एग्जामिनेशन में। जो भी अटेम्प्ट एक कैंडिडेट डिसाइड करता है उसको सोचना चाहिए ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, दिस इज़ माय अल्टीमेट। जरूरत पड़ेगा दोबारा फिर अटेम्प्ट लेगा, कोशिश करेगा, लेकिन कभी भी अपने मन में दो तीन तीन अटेम्प्ट का ऑप्शन दिमाग को नहीं जाना चाहिए। हमारा जो दिमाग है एक गोल सीकिंग ऑर्गेनिज्म है, जब हम किसी पे फोकस करते हैं तो उसी को पहचानता है। पुराने गाथा के हम बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि अर्जुन को जो पूछा गया कि भाई तुमको क्या दिखाई दे रहा है, तो कहा कि भाई हमें तो चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है जी। कहीं हमें निकल जाता है एक मछली की आँख दिखाई दे रही है, लेकिन कहने का मतलब ये है सिंगल फोकस। और उसलिए क्या होता है कि मैं स्टूडेंट को कहता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम देते हो, मान लीजिए अभी एग्ज़ाम आ रहा है कि 2018 में देना है या 19 में देना है, तो कोई लिखता है 18/19/20, तो फिर तो वो ओब्लिक जो है वो लास्ट तक जी नहीं बनेगा, लेकिन जिसमें ले लिया फुल फ्लेजेज, उन चाहे नौकरी करके कर रहे हो, सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, कोई किसी के साथ लगता है कि नौकरी करते हुए पढ़ सकता है, कोई नहीं पढ़ सकता है, वो डिपेंड करता है कि नौकरी करने में जिम्मेवारियाँ कितनी हैं और कितना इंगेजमेंट है, तो हर किसी को अपना आइडेंटिटी है, किसी के फाइनेंशियल कंस्ट्रेन भी कई बार होते हैं, लेकिन जो भी है मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्वालिफाई वही कर सकता है जो सिंगल माइंड से हर स्टेप में एक अटेम्प्ट की ओर फोकस करके चले, जरूरत पड़ेगा तो बाद में करेक्शन करके फिर अटेम्प्ट ले, लेकिन जब कर रहा हो तो अगले अटेम्प्ट की ना सोचे, उसी अटेम्प्ट की सोचे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये सर से और सर ने जो कहा बहुत मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, सर के साथ जोड़ना चाहता हूँ।
ये एग्ज़ाम आपको मेंटली, फाइनेंशियली, सोशली सब तरीके से टेस्ट करेगा। तो लोग सोचते हैं कि हमारे पास 6 अटेम्प्ट है, लेकिन 6 अटेम्प्ट तक आप इतने घिस जाओगे, इतने आप मतलब आपका कड़वापन आ जाएगा, ये एग्ज़ाम से रिकवर नहीं कर पाओगे ज़िंदगी भर के लिए। तो ये स्टिग्मा रह जाएगा आपको। तो इसको एक लोग की करोबा मरो, एक ही बार दो बार लो, उसी में ही आप। और जो लोग एक्चुअली मैंने देखा हुआ है, जो लोगों ने लिया है कि एक ही बार में मुझे क्लियर करना है, वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, जहाँ की लोगों ने सोचा है कि मैं 4-5 अटेम्प्ट है मेरे पास। चलिए बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगा कि सुमन, ये जो आप कह रहे हैं कि एक टफ एग्जाम है, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली आपको ड्रेन करते, किस तरह से, क्या कारण है जो आपने देखे और आप ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हैं? ये मैं बताता हूँ, सिविल सर्विसेज एग्जाम बाकी विकसित राज्यों में भी हैं, यूके में भी हैं, यूएसए में भी हैं, लेकिन इंडिया जो बिकॉज इट इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम सिविल सर्वेंट्स। तो आपका सोसाइटल प्रेशर रहता है, लोगों का प्रेशर रहता है कि मेरा ये लड़का सिविल सर्वेंट बनेगा, गरीबों, पिछड़े वर्गों, लोगों के लिए कुछ करेगा, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन रहता है, तो वो सारा एक्सपेक्टेशन आपका मेंटल प्रेशर में आ गया। अच्छा, आप जब नौकरी छोड़कर खुद प्रिपेयर करते हो या कोचिंग ज्वाइन करते हो, कहीं पर दिल्ली आकर पढ़ते हो, तो फाइनेंशियल प्रेशर आ गया, सोशल, और एक इमोशनल प्रेशर क्या है, आप अगर सोचिए आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, आपको अपना दुख शेयर करना है, आप दोस्तों के साथ करोगे, लेकिन आपके जो रेगुलर दोस्त है वो अच्छे नौकरी कर रहे होंगे, अच्छी जगह सेटल हुए होंगे, अच्छे कमाई कर रहे होंगे, कोई फॉरेन में होगा, अच्छा आपके उनसे आप शेयर नहीं कर सकते हो, पेरेंट्स से कितना शेयर करोगे। दूसरे आपके जो कोचिंग वाले दोस्त हैं कि आपके जो दोस्त प्रिपेयर करें, वो भी आप ही की परिस्थिति में है, तो सब जगह से आपको ये एक शून्य में रख देता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये एग्जाम बहुत फाइनेंशियली, इमोशनली और सोशली ड्रेनिंग एग्जाम है। सक्सेस स्पीक्स में अभी समय हो गया है एक और छोटा सा ब्रेक लेने के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी हाजिर होते हैं। Over 23 years of excellence, more than 3,000 selections in civil services so far. Chanakya IAS Academy, nurturing leaders of tomorrow. मिलिए सिविल सेवा परीक्षा के सफल परीक्षार्थियों से और जानें उनकी सफलता के राज सक्सेस स्पीक्स के साथ। हर मंगलवार सुबह 9 बजे DD नेशनल पर। वेलकम बैक, सक्सेस स्पीक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सुमन सौरभ मोहंती से। सुमन ने साल 2016 की सिविल सेवा परीक्षा में 9वां स्थान प्राप्त किया है। सुमन, हम पूरी आपकी जर्नी हमने देखी कैसी रही, कैसे आपने इस सफलता को छुआ। मैं चाहूँगा कि हमारे एक्सपर्ट आपसे कुछ सवाल पूछें पेपर के बारे में, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल सके। सर, अब आप ये बताएं कि जो तैयारी करने के बारे में, जो प्री का जो प्रिपरेशन है, जो कि आपने जो है दोनों बार क्वालिफाई किया और दोनों बार प्री किए, तो प्री भी एक बड़ा ही एक चैलेंजिंग सिचुएशन होता है, कई कैंडिडेट तो प्री में नहीं क्वालिफाई कर पाते। तो प्री में क्वालिफाई करने के लिए श्योर शॉर्ट फार्मूला जो अपनाना चाहिए कैंडिडेट को, वो क्या होना चाहिए? जी, पहला है प्री बहुत अनप्रेडिक्टेबल एग्जामिनेशन है। प्रिलिमिनरी UPSC का देखा जाए तो सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है, क्योंकि मेंस में फिर भी आप लिख कर कुछ ना कुछ जानकर आप लिख सकते हो। प्रिलिमिनरी में आपका आइदर आंसर पता है कि नहीं पता है, और नेगेटिव मार्किंग का भी स्कोप है। बहुत लोग मतलब 50% श्योर होते हैं क्वेश्चन में, मार्क कर देते हैं, लेकिन पता चलता है वो गलत है, तो उनका रैंक भी पीछे आ जाता है। तो प्रिलिमिनरी के लिए पहला इंटेंसिव आपको काम करना पड़ेगा। 6 कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एनवायरनमेंट है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साइंस टेक्नोलॉजी है, करेंट अफेयर्स है आपका, ज्योग्राफी और एक है आपका पॉलिटी है। 6 कुछ सब्जेक्ट में हर चीज़ में आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। प्री और मेंस दोनों के प्रिपरेशन का के बारे में आपकी क्या एक्सपीरियंस रही? इसको इंटीग्रेट करके तैयार करना चाहिए या अलग अलग से करना चाहिए? सर, यही हो तो आपका मेंस का बहुत सारा टॉपिक प्री में भी आ सकता है, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स हो, पॉलिटी के कुछ पोर्शंस हैं, ज्योग्राफी। एक्चुअली मेंस जो है वो प्री का पोर्शन का थोड़ा एनलार्ज्ड वर्शन है, तो इंटीग्रेट करके ही करना चाहिए, क्योंकि तो फिर आपको एक सुविधा क्या होता है, प्री के बाद आप मेंस के लिए ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप इमीडिएटली रिवीजन मोड में जाकर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो और आंसर सबके बेहतर आ सकते हैं, तो इंटीग्रेट करके पढ़ना चाहिए। ये बेसिकली दोनों साथ साथ लेकर चलें तो अच्छा है।
इसमें पढ़ाई के टेक्निक के बारे में बड़ा टेंशन होता है कि लोगों को नोट्स डिटेल बनाना चाहिए, ब्रीफ बनाना चाहिए, उसके बारे में क्या रही अपने एक्सपीरियंस? नोट्स बनाने में एक एडवांटेज क्या है कि आपको रिवीजन में बहुत सुविधा होती है, क्योंकि आप एग्ज़ाम के 10 दिन या 5 दिन या 15 दिन पहले आप पूरा बुक पढ़ना आपके लिए असंभव हो जाएगा। नोट्स अगर बनाए हुए हैं, आपने पॉइंट्स नोट किए हुए हैं, तो आप खुद ही रिवीजन में बहुत फास्ट आएगा। दूसरा, जब आप नोट्स बनाते हो, बच्चे ये बहुत इग्नोर करते हैं लेकिन बच्चों को ये सीखना चाहिए, जब आप नोट्स बनाते हो तो एक्चुअली राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आता है आपका मेंस एग्जाम में। नोट्स बनाते हो, हाथ आपका फ्री हो जाता है, लिखने में आपको सुविधा होती है, हैंडराइटिंग इंप्रूव करता है, तो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अब थोड़ा मेंस की चर्चा करते हैं। मेंस में स्पेशली आपने चूंकि एसे का आपने अलग तरह का स्टाइल अपनाया, बहुत लोग तो एसे की तैयारी ही नहीं कर पाते, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि एसे में अच्छा करने के कैंडिडेट को क्या करना चाहिए? जी, एसे में इसलिए मैंने इस बार ये स्ट्रेटेजी अपनाया था क्योंकि लास्ट टाइम मेरे 136 नंबर आए थे, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने वो ऐसे कुछ ठीक नहीं लिखा था, तो मेरा थोड़ा नर्वसनेस था कि मैं ऐसे में इस बार 136 से कम ना हो, एटलीस्ट 15 मार्क बढ़ सके, मिनिमम जो यूपीएससी का लेवल होता है। तो इसीलिए मैंने एक काम किया, फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया कि ऐसे को कैसे अप्रोच करना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ठीक है। उसके ऊपर क्या किया कि कोटेशन वगैरह याद रखे, जैसे कि मेरा एग्जाम्पल्स, रीसेंट केस स्टडीज़ एग्जाम्पल्स, कुछ चुटकुले जो कि एग्जामिनर का आकर्षण, मतलब एग्जामिनर को आकर्षित कर सके कि ये बच्चा कुछ हटके लिख रहा है। तीसरा एक मैंने इम्पोर्टेंट काम किया ऐसे के टाइम में, मैंने जनरल स्टडीज़ के हर एस्पेक्ट को लिंक किया। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जामिनर वही चाह रहा है जो मुझे लग रहा है कि आप कितना डाइवर्सीफाई करके आप एक ऐसे को लिख रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऐसे आया था कुछ साल पहले कि गांधी जी का एक बहुत बढ़िया कहावत है कि ग्रीड ग्रीड के ऊपर है, देर इज सॉल्यूशन ऑफ नीड बट हाँ देर इज एवरीवन देर इज समथिंग फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। तो उसको जब मैंने वो टॉपिक पढ़ा तो मैंने उसको रिलेट किया एनवायरनमेंट के साथ, एनवायरनमेंट में हम कैसे डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हमारे पास होते हुए भी संबल हम लोग फाइट कर रहे हैं वार्स ऑन लैंड, लैंड सबके पास ज़्यादा है, जितना पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा लैंड है, पॉलिटिकल सिस्टम के साथ कनेक्ट किया। जैसे जनरल स्टडीज़ के हर चैप्टर, हिस्ट्री में कैसे हमारा, जैसे हम लोग पहले जब आए थे आदमी एक बहुत दुख भरे भरे एक संकट से गुजर रहा था, लेकिन जब उसके पास संपत्ति आई, उसके पास पैसा आया, तो कैसे उसने उसी को ही अपना मतलब अपने खिलाफ कर दिया। सो आई कनेक्टेड इट विथ हिस्ट्री, आई कनेक्टेड इट विथ सोसाइटी, आई कनेक्टेड इट विथ ज्योग्राफी, हर एंगल से, एथिक्स से भी सर मैंने लास्ट को कनेक्ट किया। तो वही है कि आप डाइवर्स अप्रोच रखें, तो एग्जामिनर को लगेगा ऐसे ये एक लिख रहा है ये जो लड़का है, और इसका एक मल्टी डायमेंशनल व्यू पॉइंट, लैटरल थिंकिंग अप्रोच है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप जितना सोचोगे उससे कुछ फायदा नहीं होगा, ये आप जब 20-25 ऐसे लिखोगे मिनिमम बिफोर द मेन्स, 20-25 ऐसे आप आराम से लिख सकते हो, तो वो लिखने से आपको ये प्रैक्टिस इसलिए यूपीएससी इतने सब्जेक्ट पढ़ाती भी है ताकि हर माइंड से, हर लाइफ लेवल से इंसान सोच सके। और बहुत सारे बच्चों को यही डर रहता है कि हम मल्टी डायमेंशनल कैसे लिखें, तो GS 1, 2, 3, 4 में आपके पास जो जो हेडिंग है, हिस्ट्री, एग्रीकल्चर, सब जगह आप लिख सकते हैं। एग्रीकल्चर में मैंने भी वही वाला यूज किया था कि ग्रीन रिवोल्यूशन में उससे पहले कैसे हम अच्छा फसल उगाते थे, लेकिन एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, कैसे उसका सोशल इफेक्ट्स है, हर चीज़ आप सीधा अपने जीएस टॉपिक से रिलेट कर दीजिए, मल्टी डायमेंशनल इससे आएगा। और मेरे इस बार एक्चुअली 9 मार्क बढ़े हैं, मेरा 145 मार्क है, और इस बार यूपीएससी ने बहुत अच्छे मार्क्स दिए हैं ऐसे में। एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड की थोड़ी बात करते हैं, ये थोड़ा अलग नेचर का पेपर है, एग्जामिनर क्या देखना चाहता है इसमें आपके हिसाब से? सर, एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आप कितने सच्चे हो। आप फॉर एग्जाम्पल, बच्चे बहुत, ये एक बहुत मतलब कन्फ्यूज टॉपिक है, बहुत लोग इसमें बहुत मार्क भी खा जाते हैं, लेकिन मेरा कंसिस्टेंटली हायर स्कोर्स था, फर्स्ट ईयर में 91 था, इस साल 116 मार्क आए हैं। यही है कि एग्जामिनर देखता है आप कितने सच्चे हो, कितने नेचुरली आप क्वेश्चन को, एथिक्स को कितना नेचुरली आप एथिक्स को कैसे समझते हो, ना कि बच्चे क्या करते हैं, रट देते हैं बुक से एथिक्स के कोई फिलोसोफर कोटेशन एक्सेट्रा। क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है कि एंगर आप कैसे कंट्रोल करोगे, एंगल आप कैसे करोगे, आप नॉर्मली लिखो, हाउ डू यू फील यू कैन कंट्रोल एंगर। लोग क्या करते हैं, किसी थिंकर का बात पूरा रट्टा मार के उसको कर देते हैं। इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट जो है एक बड़ा ही सबके लिए एक ख्वाब होता है कि वहाँ तक पहुँचे, है ना, तो आप जो है दो दो बार इंटरव्यू में पहुँचे, आपको क्या लगता है क्या चाहती है यूपीएससी जो इसमें पर्सनालिटी टेस्ट पे? यूपीएससी लिखती है कि इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, एंड एक्चुअली इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। लोग क्या करते हैं, बहुत रटा रटाया हुआ नॉलेज लेके जाते हैं, सब जगह से पढ़ते हैं, अल्टीमेटली कन्फ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पर वो जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हड़बड़ा कर मार्क कम हो जाता है।
आप अपने दे विल वहाँ पर जो दिग्गज लोग बैठे हैं 20 25 30 35 साल से उनका एक्सपीरियंस है, अगर आप वहाँ पर बनने जाओगे जो कि आप नहीं हो तो आप पकड़े जाओगे। नेचुरल होना चाहिए, पूरा नेचुरल होना चाहिए, नर्वस ना हो, दे आर वेरी कॉर्डियल वेरी फ्रेंडली। अगर स्ट्रेस भी करते हैं तो आपको अल्टीमेटली वो दो तीन क्वेश्चन पूछेंगे जो कि आपको मतलब ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा, लेकिन बच्चे इतने नर्वस हो जाते हैं जो दो तीन ईजी क्वेश्चन से उसको हड़बड़ा जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप करेंट अफेयर्स थोड़ा पढ़िए, अपने ड्राफ्ट को देखिए, अपने गांव, प्रदेश, शहर, देश, आपने जो जो अपने ड्राफ्ट में लिखा है उसके ऊपर आपको पूरा पक्का होकर जाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों को अपने स्टेट के नेशनल एंथम पूछते हैं, नेशनल स्टेट सॉन्ग पूछते हैं, स्टेट फ्लावर पूछते हैं, वो पता नहीं होता है। अब पूरा होमवर्क करके जाते हैं जी, और बहुत टाइम अभी यूपीएससी का ट्रेंड हो गया वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं कि आप डीएम हो, एक आग का सिचुएशन हो गया, आप डीएम हो, एक सोचिए दंगा हो गया, डीएम हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, आप कैसे रिएक्ट करोगे, तो आपको वही एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पर सोच के जवाब देना है। आपको कोई ऐसा क्वेश्चन याद आता है जो बड़ा लग रहा सिचुएशन था? सर एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा था लास्ट इंटरव्यू में कि आप तो उड़ीसा के हो, आप केरला कैडर मिलेगा आईएएस में तो जाओगे, तो मैंने अचानक से वहीं पर एक उपस्थित आंसर दिया था कि सर केरला हो या उड़ीसा हो, भूख गरीबी शोषण पिछड़े वर्ग सब जगह एक ही हैं, तो आईएएस बनकर वहाँ पर भी काम करेंगे, यहाँ पर भी काम करेंगे। वेरी गुड, तो इसके लिए बहुत अप्रिसिएशन मिला था, मतलब मुझे पता चल गया था, बोर्ड को बहुत अच्छा लगा था, इसलिए अच्छे इंटरव्यू में भी मार्क्स आए थे। चलिए सुमन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद रुक करेंगे हमारे ऑडियंस का और जानेंगे उनके पास क्या सवाल हैं आपके लिए। सक्सेस स्पीक्स में अभी समय हो गया है एक और छोटा सा ब्रेक लेने के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी हाजिर होते हैं। Over 23 years of excellence, more than 3,000 selections in civil services so far. Chanakya IAS Academy, nurturing leaders of tomorrow. मिलिए सिविल सेवा परीक्षा के सफल परीक्षार्थियों से और जानें उनकी सफलता के राज सक्सेस स्पीक्स के साथ। हर मंगलवार सुबह 9 बजे डीडी नेशनल पर। वेलकम बैक, सक्सेस स्पीक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियोज में हैं सुमन सौरभ मोहंती, जिन्होंने साल 2016 के सिविल सेवा परीक्षा में 9वां स्थान प्राप्त किया है। आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे ऑडियंस की तरफ और जानते हैं उनके मन में क्या सवाल हैं हमारे गेस्ट और हमारे एक्सपर्ट के लिए। कौन पूछेगा पहला सवाल? मेरा नाम सुभाषिस साहू है, मैं उड़ीसा से हूँ। मैं सर से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि न्यूज़पेपर में दिन को कितना घंटा पढ़ना चाहिए, मतलब मैक्सिमम कितना घंटा होना चाहिए न्यूज़पेपर रीडिंग? देखिए ये एक बहुत फ्रीक्वेंट सवाल है जो बच्चों के मन में कन्फ्यूजन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर आप पढ़िए लेकिन कितने घंटे मत देखिए, आप अपने जनरल स्टडीज़, एसे और ऑप्शनल के रिलेटेड में जो भी न्यूज़ आर्टिकल आता है आपको सिलेबस पता है, फॉर एग्जांपल पॉवर्टी के ऊपर आया और मनरेगा स्कीम के ऊपर प्लस माइनस आया है पेपर में, वो आपके लिए रेलिवेंट है। पॉवर्टी का कोई स्टैटिस्टिक्स है वो आपके लिए रेलिवेंट है। तो जनरल स्टडीज़ के साथ रिलेट कीजिए, जो पोर्शन अवेलेबल है न्यूज़पेपर से उसको पढ़िए, बाकी सबको इग्नोर कीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते एंटरटेनमेंट सेक्शन में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, पॉलिटिकल सेक्शन में स्पेंड टाइम करते हैं, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। जितना एक घंटे से ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है न्यूज़पेपर, उसमें भी अगर आप नोट्स बना दें तो बहुत बेहतर है। तो एक घंटे से ज़्यादा मैं एडवाइस नहीं करूँगा। जनरल स्टडीज़ एसे और ऑप्शनल के साथ रिलेट करके रखिए। फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन है ऑन आपका ऑप्शनल है एंथ्रोपोलॉजी, आपको न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया अबाउट जेनेटिक डिस्कवरी या फिर कोई ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट कुछ आया, तो वो आपके ऑप्शनल के साथ रिलेवेंट है, उसको याद कर लीजिए, एक छोटा कॉपी बनाइए उसमें वो सेक्शन के अंदर लिख दीजिए। घंटे के ऊपर मत दिखिए, मैक्सिमम 45 मिनट्स टू 1 आवर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर हम कोचिंग करते हैं या नहीं करते हैं, ये हमारे प्रिपरेशन के ऊपर कितना फर्क डालता है? देखिए कोचिंग से एक रास्ता ये मिलता है कि जो समय है आप बचाते हैं, भटकने से बचते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बिना कोचिंग के कोई आईएएस नहीं बन सकता, लेकिन कोचिंग का फ़ायदा होता है कि आप एक डायरेक्टेड अप्रोच करते हैं, एक क्लियरिटी आपके दिमाग में जल्दी आ जाती है और बहुत लंबे समय तक उसके संघर्ष से कई बार आप बच जाते हैं। लेकिन फ़ायदा तभी कोचिंग का होगा जब आप उसको इंटरलाइज करके अपना
मेहनत भी उसके हिसाब से बराबर करते रहेंगे। सुमन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे साथ शेयर करी। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। ये था आज का सक्सेस स्पीक। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये शो बहुत पसंद आया होगा। अगले हफ्ते ऐसी ही एक और सफलता की कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।